इनेलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने अम्बाला छावनी की नई अनाज मंडी का दौरा किया और किसानों की समस्याएं सुनी। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कांग्रेस की दिल्ली में हुई लठबाजी को लेकर कहा कि ये बड़ी शर्मनाक बात है, जहां कांग्रेस को इस समय किसानों के हक के लिए लड़ना चाहिए, वहां ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। बिजली के मीटर बदलने को लेकर हो रही धांधली पर अरोड़ा ने कहा कि जो लोग बिल भर रहे हैं, सरकार उन्हीं पर जोर आजमाइश कर रही है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के गांव में 55 करोड़ रुपए बकाया है, पहले वो वसूलें और वित्त मंत्री अपने हलके में मीटर बाहर लगवा कर दिखाएं। उन्होंने कहा कि इनेलो की सरकार आने पर प्रदेश में जितने भी मीटर बाहर लगे हैं, उन सभी को गंगा में बहाकर आएंगे। और बड़े दुख से कहना पड़ता है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को जो भूल गए, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाता है, आज उससे भी नीचे बेची जा रही है, किसान को लूट मचा रही है। 1510 का रेट है, 1510 के जे फार्म कटते हैं और उस पर कट लगता है 100 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए का। और बड़ी हैरानी की बात है कि कितनी किसान विरोधी सरकार इस प्रदेश के अंदर बन गई कि हमने जब मांग उठाई कि जो नमी की मात्रा है उसको 17 से बढ़ाकर 21 कर दिया जाए, तो सरकार ने नमी की मात्रा 17 से बढ़ाकर 22 कर दी, परंतु उस पर क्या कर दिया कि हर पॉइंट पे 1 किलो का कट लगा दिया, कि यानी कि जो पहले इनलीगल तरीके से किसान को लूटा जाता था, अब सेलर वालों को ये छूट दे दी कि तुम अगर 22 का नमी दिखाओगे तो 75 रुपए 50 पैसे अपनी मर्जी से काट सकते हो। 5 किलो की छूट सेलर वाले को दे दी। हमारी सरकार से ये मांग है कि आप किसान को 21 का नमी दो, 22 की दो। सेलर वाले को हम नहीं बेच रहे, हम सरकार को बेच रहे हैं। सेलर वाले को अगर इसमें नमी नजर आती है, उसको दिक्कत आती है, उसको घाटा पड़े, तो उसकी कमी भी सरकार पूरी करे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार हरियाणा प्रदेश में थी तो हमने एक दाना दाना खरीदा था, सेलर वाले कहने लगे नमी है, तो उनको भी 2 किलो की छूट सरकार ने दी थी, परंतु ये सरकार अपने पास से छूट ना देकर किसान से 5 किलो का कट लगाने का काम कर रही है, इसकी हम निंदा करते हैं। और आज सारी मंडियों में हम जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश की, और परसों प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनको कहेंगे कि जो ये तुगलकाना बयान प्रमाण आपने जारी कर दिया, जो किसान विरोधी है, इसको तुरंत वापस लो, और नमी जो किसान की बकरा के लूटा जा रहा है, सरकार के पैसे वापस करो, नहीं तो इंडियन नेशनल लोकदल किसानों को संगठित करके सरकार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कर